ओम शांति। आज का सोमान है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। विघ्नों को विदाई देने के लिए मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में पूजा हो रही है। भक्त विघ्न हरो देवा कहकर पुकार रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियाँ लेकर उन्हें विघ्नों से मुक्त कर रहा हूँ। उनके विघ्न नष्ट हो रहे हैं और सर्वशक्तिवान बाप के साथ से सभी आत्माएं उड़ती कला का अनुभव कर रही हैं। चिंतन करें, मंदिरों में मेरी मूर्ति के दर्शन मात्र से भक्तों के विघ्न नष्ट होते जा रहे हैं। क्या मैं संगम युग पर निर्विघ्न बन चुका हूँ? क्या मैं आत्मा सदा निर्विघ्न स्थिति में रहकर हर कदम में सफलता का अनुभव करती हूँ? क्या मैं दूसरों के विघ्नों को दूर करने में समर्थ हूँ? समय और शक्तियों को व्यर्थ तो नहीं गवाता हूँ। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं आत्मा सृष्टि चक्र के टॉप पॉइंट पर खड़ी हूँ। बाबा से जुड़ी हुई अब तक मुझसे पूरे काल चक्र में जिन आत्माओं व प्रकृति को कष्ट पहुँचा है, मैं उनसे क्षमा ले रही हूँ। तथा जिन आत्माओं या प्रकृति ने मुझे दुख दिया है, मैं उनको क्षमा कर दिया है। मेरी यह शुभ भावना व शुभ कामना सबका कल्याण हो, सर्व का भला हो। अकल्याण करने वाले आत्मा के ऊपर कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि वृत्ति रखना ही उसे क्षमा करना है। क्या मैं आत्मा साक्षी होकर ड्रामा के हर दृश्यों को व हर एक आत्मा के पार को देखती हूँ? मास्टर क्षमा का सागर बन कितनी आत्माओं को माफ किया है, सर्व को उसने प्रेम व सहयोग देने में नंबर वन बनी हो। इस प्रकार के सोमान में टिक कर हम अपने अंदर में झांकते जाए और ईश्वरीय आनंद का आनंद लेते रहे। ओम शांति।